ये फार्म हम लोगों ने पिछले साल शुरू किया जरबेरा का, और ये सितंबर से इसका फूल आना शुरू हुआ, और इन एवरेज पर मंथ 15 से 25 हजार फूल होते हैं, और पिछले नवंबर में 25 हजार टोटल प्रोडक्शन में रहा है, और दिसंबर में करीब 20 हजार। उधर गर्मी के दिनों में भी, मतलब गर्मी में तो नहीं कहना चाहिए, सितंबर अक्टूबर में भी करीब 12-14 या 15 हजार फूल पर मंथ आ रहा था। ये जो हमारा फार्म है इसमें प्रोडक्शन दो तरह से बेहतर है, एक तो फ्लावर के स्टिक्स अच्छे माने जा रहे हैं, दूसरा फ्लावर का साइज या उसकी ड्यूरेबिलिटी हर तरह से अच्छा है, प्रोडक्शन लेवल भी लोग बताते हैं कि अच्छा है। ये 2000 स्क्वायर मीटर्स में है। जरबेरा की खेती के साथ साथ मैं फिर वेजिटेबल्स की खेती भी चाह रहा हूँ नेट हाउस में, पॉली हाउस में, या नेट हाउस में जो कल्टीवेशन मॉडर्न तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से होता है फ्लावर्स फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, तो उसमें मधुबनी जो हमारा जिला है उस बिहार राज्य बागवानी मिशन के तहत उसे वहाँ से सब्सिडीज या और भी तरह की जो मदद मुहैया हो सकती है वो मुझे हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने पिछड़े इलाके में ये सब काम जो हम लोग शुरू किए हैं और इस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे यहाँ के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, इसको प्रभावित हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस तरह के काम करने से उनकी उन्नति आसानी से हो सकती है, उनका विकास हो सकता है। ये जमीन काफ़ी ऊंची है अन्य जमीन जो अगल बगल का एरिया है उसकी तुलना में, और यहाँ पर खेती हो नहीं पा रही थी, पानी की कमी थी, लेकिन मुझे लगा कि जिसको लोग खराब बता रहे हैं इसको मैं एक उन्नत किस्म का प्लॉट बना के दिखाऊं, और ये भी ये इसी आइडिया के कारण मैंने यहाँ ये लगाया। 2000 स्क्वायर मीटर तो उस हिसाब से प्रोडक्शन लेवल काफ़ी अच्छा है। जिला बागवानी मिशन से जब वर्क ऑर्डर निकला तो मुझे पता लगा कि लगभग 20 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो बिहार में रजिस्टर्ड हैं बिहार सरकार में, लेकिन मैंने जब काफ़ी सर्चेज किए नेट के ऊपर या कई जगहों से सूचना एकत्रित कर, तो मुझे लगा कि एग्री प्लास टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो सबसे बेहतर कंपनी है, और उसका काम जो है सो अन्य कंपनियों की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए मैंने एग्री प्लास्ट को ही चुना, और मैं संतुष्ट हूँ उनके काम से। जैसे आफ्टर सेल सर्विस मिलती है उसी तरह से यहाँ एग्रोनॉमी का सपोर्ट मिल रहा है, और एग्रोनॉमिस्ट कम से कम यहाँ अब तक पिछले सितंबर से लेकर अब तक 5 बार आ चुके हैं, आते हैं, विजिट करते हैं, सलाह देते हैं, जैसे काम वो बताते हैं उसी ढंग से हमारे जो यहाँ लोग इसमें लगे हुए हैं वो उसी ढंग से उस काम को पूरा करते हैं, पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन, इरिगेशन, फर्टिगेशन, सारा काम उसी तरह से वो फॉलो करते हैं यहाँ लोग हमारे, जैसा कि एग्रोनॉमिस्ट बताते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बाकी जो भी किसान यहाँ के हैं इस तरह की खेती के लिए प्रोत्साहित हों, और जो आधुनिक इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उसको फॉलो करें। धीरे धीरे किसान इस बात को अब समझ भी रहे हैं, मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में कई लोग इस तरह के काम से जुड़ेंगे।